हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, जो हमारे 1000 वाट के सोलर पैनल हैं, फ्रेंड उनकी शाम को 4 बजे हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो पूरा बहुत डिटेल में परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि कितना लोड चलेगा, कितने एम्पियर देगा, कितने वोल्टेज देगा और कुछ सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करता है वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए टाइम शाम के 4 बजे हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए सूरज बिल्कुल साइड में चला गया है। और यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 6 सोलर पैनल है, इसमें से प्रत्येक पैनल 165 वाट का है और जो हमारा सोलर सिस्टम है पूरा वो 990 वाट का है। और फ्रेंड, हमने दो दो पैनल के सीरीज कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, तो इस प्रकार जो हमारा प्रत्येक सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 330 वाट का हो जाता है। और ये 24 वोल्ट के सोलर पैनल की तरह काम करते हैं। हमने देखिए इन दोनों पैनल को सीरीज में लगा रखा है और इन दोनों को सीरीज में लगा रखा है, नेक्स्ट दो पैनल को सीरीज में लगा रखा है, फिर इन सबको हमने पैरेलल में लगा रखा है। और इन सब के साथ हमने देखिए इनको लगभग हमने 10 से 15 डिग्री के एंगल के बीच रखा है, क्योंकि गर्मियों में फ्रेंड हमें एंगल इतना ही रखना होता है कि जो आपके एरिया का लेटिट्यूड एंगल है उसमें से आप 15 माइनस कर दोगे तो जो आपके सोलर पैनल का प्रॉपर एंगल है वो आ जाएगा, तो आपका सोलर पैनल प्रॉपर आउटपुट देगा। और इस सिस्टम के साथ हम 6 mm का DC वायर भी यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो 1000 वाट के हमारे सोलर पैनल हैं, इनकी शाम को 4 बजे हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए टाइम हुआ है शाम को 4 बज चुके हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम है उसकी हम UTL गामा प्लस पर, जो हमारा UTL गामा प्लस है, इस पर परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए अभी 219 वोल्ट मेंस अवेलेबल है और UPS हमारा ऑन है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। 27% लोड है फ्रेंड, लगभग अभी 250 वाट का लोड है। देखिए 13 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से और 190 यूनिट हम सेव कर चुके हैं और मेंस के 150 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए 13.3 वोल्ट पे हमारी बैटरी है और बैटरी हमारी चार्ज हो रही है 3.7 एम्पियर से। 27% लोड है फ्रेंड अभी सोलर से आ रहे हैं, 31.2 वोल्ट और 13.2 एम्पियर। देखिए 190 यूनिट हम सेव कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए 149 वोल्ट आ रहे हैं मेंस से, 13.2 वोल्ट, 3.6 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। 27% लोड है फ्रेंड और 31 वोल्ट SPV से आ रहे हैं और 13 एम्पियर हम मान सकते हैं। तो फ्रेंड ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरी।